दोस्तों इस सीजन में धोनी की सीएसके और कोहली की आरसीबी की टीम पूरी फॉर्म में चल रही हैं। अगर पॉइंट्स टेबल की बात करें तो यह इस सीजन की अभी तक की टॉप टू टीमें हैं। आरसीबी ने अब तक इस सीजन में 4 मैच खेले हैं, जिसमें उन्होंने अपने सभी 4 मैचों में जीत हासिल की है। अच्छी शुरुआत के चलते टीम के खिलाड़ियों का हौसला भी काफी बड़ा हुआ है। वहीं धोनी की सीएसके ने भी अभी तक 4 मैच खेले हैं, जिसमें 3 में जीत और 1 मैच में हार का सामना करना पड़ा है। तो दोस्तों दोनों टीम काफी अच्छा खेल दिखा रही हैं, तो जाहिर सी बात है कि इन दोनों के बीच मैच भी काफी रोमांचक देखने को मिलेगा। अभी तक आईपीएल में दोनों टीमों ने एक दूसरे के साथ 27 मुकाबले खेले हैं, जिसमें सीएसके ने 17 और आरसीबी ने 8 मैच जीते हैं। वहीं एक मैच ऐसा भी रहा था जो रद्द हो गया था। अगर बात करें टॉप ऑर्डर बल्लेबाजों की, तो वहीं सीएसके के पास इनफॉर्म बल्लेबाज ऋतुराज गायकवाड़ के साथ फैप डुप्लेसिस हैं, जिन्होंने पिछले मैच में नाबाद 95 रनों की शानदार पारी खेली थी। और वहीं नंबर 3 पर इस टीम के लिए मोइन अली बल्लेबाजी करने आते हैं, जो कि आते ही बड़े बड़े हिट्स लगाने की क्षमता रखते हैं और इस सीजन में उन्होंने सभी का ध्यान अपनी ओर आकर्षित भी किया। और दूसरी ओर आरसीबी के पास युवा बाएं हाथ के शानदार बल्लेबाज देवदत्त पडिक्कल हैं, जिन्होंने पिछले मैच में ही शतक जड़ा था, और खुद कप्तान विराट कोहली हैं, जिन्होंने पिछले मैच में आईपीएल में सबसे पहले 6000 रन पूरे करने का रिकॉर्ड अपने नाम किया था। वही मैक्सवेल भी इस टीम के लिए नंबर 3 पर आने के दावेदार हैं, जिन्होंने इस सीजन में शानदार फॉर्म के चलते सभी का दिल जीता है। देखा जाए तो दोनों टीमों के पास टॉप ऑर्डर के बल्लेबाज काफी अच्छे हैं। दोस्तों आपको क्या लगता है, किस टीम के बल्लेबाज का टॉप ऑर्डर बल्लेबाजी क्रम ज्यादा अच्छा खेल दिखा पाएगा? आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। अगर मिडिल ऑर्डर की बात की जाए तो वहीं चेन्नई सुपर किंग्स के पास मिस्टर आईपीएल के नाम से मशहूर सुरेश रैना और दुनिया के सबसे बेहतरीन फिनिशर्स में से एक एमएस धोनी हैं, जो मैच कैसे फिनिश करना है अच्छी तरह जानते हैं। दूसरी ओर आरसीबी के पास मिस्टर 360 नाम से मशहूर एबी डिविलियर्स हैं, लेकिन डिविलियर्स के बाद बल्लेबाजी के विकल्प आरसीबी के पास काफी कम हैं। वहीं आरसीबी के लिए जेमिसन और वाशिंगटन सुंदर नीचे आकर बड़े हिट्स लगा सकते हैं। ऐसे में दोस्तों आपको किस टीम का मिडिल ऑर्डर बल्लेबाजी क्रम ज्यादा अच्छा लगा, आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। अगर दोस्तों टीम के ऑलराउंडर्स की बात की जाए तो वहीं सीएसके के पास रविंद्र जडेजा, जो कि अपने बल्लेबाजी, गेंदबाजी और फील्डिंग के दम पर टीम को मैच जितवाना जानते हैं, और ऐसा उन्होंने कई बार करके भी दिखाया है। वहीं इंग्लैंड के शानदार ऑलराउंडर सैम करन भी शानदार फॉर्म में दिखाई दे रहे हैं, और दुनिया के सबसे बेहतरीन डेथ ओवर स्पेशलिस्ट ड्वेन ब्रावो गेंद से मैच का रुख आसानी से पलटना जानते हैं, और वह अंत में आकर बड़े बड़े हिट्स भी लगा सकते हैं। वहीं मोइन अली भी शानदार गेंदबाजी और बल्लेबाजी से इस टीम को अच्छा बैलेंस देते हैं। वहीं आरसीबी के पास वाशिंगटन सुंदर, न्यूजीलैंड के जेमिसन और शहबाज अहमद हैं। देखा जाए तो ऑलराउंडर के मामले में चेन्नई की टीम आरसीबी से ज्यादा बेहतर दिख रही है। वहीं गेंदबाजों की बात की जाए तो चेन्नई के पास मोइन अली, ब्रावो, जडेजा, सैम करन, लुंगी नगीडी, शार्दुल ठाकुर और दीपक चाहर जैसे गेंदबाजी के विकल्प हैं, जिनको खेलना किसी भी टीम के लिए आसान नहीं होगा। वहीं आरसीबी की ओर से ऑस्ट्रेलिया के रिचर्डसन, न्यूजीलैंड के जेमिसन और अनुभवी विकेट टेकर चाहल हैं। मोहम्मद सिराज और अक्षर पटेल भी इस टीम का हिस्सा हैं। आरसीबी की गेंदबाजी क्रम में चाहे इतने बड़े नाम नहीं हैं, लेकिन जिस फॉर्म में आरसीबी के मोहम्मद सिराज और हर्षल पटेल गेंदबाजी कर रहे हैं, इनको खेल पाना किसी भी टीम के लिए आसान नहीं होगा। दोस्तों आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करके बताएं किस टीम के पास ज्यादा शानदार गेंदबाज हैं और कौन सी टीम आपको ज्यादा बेहतरीन दिखाई दे रही है। आप अपने कीमती विचार देना ना भूलिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक, कमेंट, शेयर और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।